तुम अच्छा देखो वो वाला अगर अपन उसी सीन की बात करते हैं जो स्टार्टिंग वाला सीन है तो वो जो तुमने बोला कि मतलब उसको ग्रेसफुल होना चाहिए था सीन को हाँ, उसका हाँ। जस्ट ऑपोजिट बनाया उन्होंने अरे बिल्कुल ऑपोजिट उसको पता है वो क्या करना चाहा उन्होंने वो उनको उन्होंने उसको बाहुबली टच देने की कोशिश करी अरे यार वो वो सीन तो जब वो जो नहीं लड़ाई से पहले जो नहीं भाषण दे रहे होते हैं चढ़के प्रभास पैर पे भाई मैंने कहा देख के वो भाई। क्या चल रहा है इधर भाई यार अब मेरे कभी रेड करने निकल पड़ेंगे भाई भाई यार मैंने कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था प्रभु श्री राम को भाई साहब वो ओवरआल के नोट्स यही रहे होंगे कि वो जो बाहुबली में किया था ना हाँ वो ऐसा इधर भाई यार इस में, इस में प्रभास की भी मैं गलती दूंगा बड़ी बड़ी कैपिटल लेटर्स में भाई एज एन एक्टर आप रिस्पॉन्सिबल रहो कि कैसी पिक्चर बन रही है ये नहीं कि डेढ़ सौ करोड़ का चेक फाड़ दो मैं चल रहा हूँ ठीक है <laughs> अरे पता है यहाँ पे कास्टिंग का पूरा फ्लॉ है मतलब यहाँ पर प्रभास जो है वो श्री राम के रोल में बिल्कुल भी बिल्कुल भी फिट नहीं भाई प्रभास पे अपन नजर है वो सुमड़ी गुमड़ी में वो लक्ष्मण का कैरेक्टर निकाला वो, वो भाई वो तो ओवरशैडो ही हो गया मतलब ऐसा होता है कि जो जो मेन रोल होता है जो मेन रोल होता है वो इतना अच्छा होता है कि वो दूसरे रोल को ओवरशैडो कर देता है यहां पे मेन कैरेक्टर इतना बुरा था कि उसने दूसरे उसको ओवर चैट हो कर दिया भाई। भाई लक्ष्मण में होता है ना एक चेहरे पे भी एक होता है एक छात्र छात्र तेज होता है ठीक ना कि मतलब एक मैं बोलूंगा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस और वो गरिमा वाली भावना भी रहती है वो अभिमानी नहीं लेकिन लक्ष्मण स्वाभिमानी है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है वो चीजें देखने को नहीं मिलती क्योंकि सारा उनका अपने बाहुबली I mean, प्रभास पे था ठीक है उनको दिखाना था मोडेस्टी नहीं तो है पिक्चर में यार मतलब मैं बताऊंगा कैरेक्टर कैरेक्टर डिजाइन ये बात में मैं खुल के बोलूंगा इव, इवन फीमेल कैरेक्टर्स भी कोई मोडेस्टी नहीं है आप क्या कर रहे हो यार भाई वो एक सीन देखा था तुमने हाँ भाई वो